हेलो बच्चों, इफ़ य जेई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एसपरेंट और एनी वन ऑफ दीज फोर क्वेश्चन इज रेलिवेंट टू यू देन वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड यू विल फाइंड अन अप्रोप्रेट सोल्यूशन तो सबसे पहले अगर यू वांट टू गिव योर बेस्ट शॉट इन जेई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आप ड्रॉपर हैं आपको पता है कि आपके पास लास्ट चांस है और आप बेस्ट शॉट देना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू और यू आर वरीड अबाउट योर चांसेज इन प्रिपेयरिंग फॉर जे ई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकते हैं जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो अब उनके दिमाग में ये आए कि यार क्या एक साल में इतना प्रिपरेशन किया जा सकता है क्या बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा सकता है पढ़ा जा सकता है इस लिमिटेड uh, टाइम में तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है या फिर वॉन्ट टू प्रिपेयर इन ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड मतलब इफ़ यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर इन ऑनलाइन मोड और इफ़ यू आर थिंकिंग टू प्रिपेयर इन ऑफलाइन मोड देन अगेन दिस वीडियो इज़ फॉर यू वॉज टिल द एंट एंड लास्ट में कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अच्छी खासी प्रिपरेशन की हो और वो चाहते हैं कि जो प्रिपरेशन हो वो अपनी हिसाब से कर पाए मतलब एक तो क्लास चल ही रहा है बट वो दे कैन ऑल्सो दे वॉन्ट टू डू कस्टमाइजेशन सो दैट ऐसा भी हो सकता है वो लास्ट के जो चैप्टर वो पहले करने की कोशिश करें hmm. जिससे लास्ट में उनके पास एम्पल टाइम हो जाए रिवीजन के लिए और वो उस टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएँ पाँच सौ के अंदर या फिर सौ के अंदर रैंक लाने के लिए तो कस्टमाइजेशन क्या पॉसिबल है अपनी प्रिपरेशन का तो उसका आंसर भी इस वीडियो में मिलेगा

जो प्रिवीन जो टीम कॉम्पिटिशन लेकर आए उसका नाम है प्रवीन टू एंड दिस इज़ ओनली अवेलेबल एट जयपुर ऑफकोर्स हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो केवल जयपुर में ही है तो इस बैच का स्टार्टिंग डेट है वो एट्थ ऑफ मे से है जो क्लासेस चलेगा हमारा आ, मतलब जिसमें कोर्स कवर कराया जाएगा जो रेगुलर क्लासेस होगा वो दिसंबर के लास्ट तक चलेगा एंड ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमारा जो मेंस का एग्जामिनेशन है वो कब ख़त्म होगा उस पर डिपेंड करेगा कि थोड़ा सा पहले सॉरी uh, मेन्स का जो फर्स्ट एग्जाम है वो कब जनवरी में होगा उसके ऊपर हम uh, थोड़ा सा डायनेमिक डिसीजन ले सकते हैं उसी के हिसाब से वी विल फिनिश द कोर्स अगर मान लिया हमें लगता है कि जनवरी के बिल्कुल शुरू में ही ख़त्म होने वाला है सॉरी जनवरी के बिल्कुल शुरू में ही एग्ज़ाम होने वाला है जेई मेन्स का फर्स्ट एग्जामिनेशन तो हम भी अपना कोर्स थोड़ा सा पहले ख़त्म कर देंगे ताकि बच्चे के पास एक रिविज़न के लिए एम्पल टाइम मिले संडे वगैरह यूज़ करके या फिर अगर मान लिया जनवरी के लास्ट वीक में जाके एग्जामिनेशन हो रहा है तो फिर हम दिसंबर के लास्ट तक आ, अपनी क्लासेस पढ़ा सकते हैं आराम आराम से ताकि उसके बाद भी बच्चे के पास एम्पल टाइम हो रिवीजन करने के लिए जो इंटरेक्शन है ऑफकोर्स ये तो क्लासेस ख़त्म होगा इसके बाद डी पी इसके थ्रू रिविज़न भी चलता है रिविज़न भी मेन्स का होता है एंड एडवांस का होता है तो जो इंटरेक्शन रहेगा हमारा बच्चों के साथ वो जब तक जेई ट्वेंटी का एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक बच्चा हमारे साथ एंगेज रहेगा जो फीस है वो इस बैच की एक लाख बीस हज़ार है विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस जी वगैरह सब इसी के अंदर है आ, अगर एक साथ कोई देता है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल वो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे सपोर्ट नंबर पे बात कर सकते हैं सपोर्ट नंबर ऑल्सो आई विल गिव इन दिस वीडियो आगे चल के जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो सिक्स डेज पर वीक है मतलब छों दिन क्लास लगेगा सेवन्थ डे जो संडे है दैट विल बी ऑफ बट संडे भी एवरी थ्री संडे में हमारा टेस्ट होता है सारे टेस्ट सी बी टी मोड में होते हैं जो एक्चुअल टेस्ट होता है उस तरह का तो एवरी थर्ड संडे विल ऑल्सो बी ऑक्यूपाइड बाई टेस्ट तो इफेक्टिवली दो संडे तो हमें फ्री मिलेंगे फिर टेस्ट फिर दो संडे फ्री एंड सो ऑन अफकोर्स अगर हमें कोर्स को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाना है तो इतना टाइम तो हमें देना पड़ेगा एग्जॉस्टिव पढ़ाई करनी पड़ेगी जो फैकल्टी टीम है वो ए बी जे सर या अमित बिजानिया सर फिजिक्स लेंगे आलोक सर और नीरज सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे एंड माई सेल्फ आई विल बी टेकिंग मैथमेटिक्स इन दिस बैच अब हम ऑनलाइन बैच पर आ जाते हैं ऑनलाइन जो बैच है उसका नाम हमारा प्रीवीन सेवन है प्रीवीन सीरीज का ये सेवन बैच है और जो स्टार्टिंग डेट है वो फोर्थ ऑफ मे है जो क्लास की एंड डेट है मतलब इसमें वी विल बी हैविंग रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए लेक्चर जो होंगे वो शेड्यूल होंगे मतलब जो चार तारीख का लेक्चर होगा वो चार तारीख को ही अनलॉक होगा तीन तारीख को अनलॉक नहीं होगा बट चार तारीख को एक बार अनलॉक हो गया तो दैट विल बी अवेलेबल इन योर डैशबोर्ड टिल जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं होता है. मतलब एक बार अनलॉक हो गया तो वो लेक्चर आपके पास बाद में भी अवेलेबल है किसी भी रीजन से अगर छूट जाता है मान लिया तो वो बाद में वो बैच अवेलेब वो वाला लेक्चर अवेलेबल रहेगा तो डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए शेड्यूल्ड लेक्चर होगा मतलब ऐसे नहीं कि सारे लेक्चर एक साथ डंप कर दिए फिर बच्चा कभी कुछ पढ़ रहा है कभी कुछ पढ़ रहा है ऐसा नहीं है एक प्रॉपर शेड्यूल्ड फॉर्म में यू विल गेट लेक्चर्स जो क्लासेस का एंड डेट है वो दिसंबर के लास्ट तक फिनिश कर देंगे और जैसा मैंने बोला कि थोड़ा बहुत जनवरी वाला जो एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं दिस इज़ ए डायनेमिक डिसीजन जो भी बच्चों के हित में बेस्ट चीज होगा हम वो करेंगे तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है और जो इंट्रैक्शन डेट है जैसा मैंने बोला कि वो जनवरी के लास्ट तक यू विल बी गिविंग डिफरेंट टेस्ट और रिविजन कोर्सेज तो जो इस बैच का एक्सेस है आपके पास ऐप के पास ऐप के ऊपर वो आपको जब तक जेई का एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं होता तब तक आपके पास रहेगा उसके बीच में आपको कुछ पढ़ना हो दोबारा कोई चैप्टर करना हो तो दैट ऑल फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फीस जो है वो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड है वन टाइम फीस और अगर इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं तो वो आप सपोर्ट पे बात कर सकते हैं दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टेस्ट जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे भी सिक्स डेज पर वीक होगा और एक दिन में पी की क्लासेज होगा डेढ़ डेढ़ घंटे -डे का ऑनलाइन में ठीक है फैकल्टी टीम अगेन सेम है ए बी जे सर आलोक सर नीरज सर एंड माई सेल्फ आई विल बी टेकिंग दीज लेक्चर्स फिर इसके अंदर जो लेक्चर्स आएंगे ऑनलाइन के अंदर वो रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स होंगे ऑनलाइन बैच की मैं बात कर रहा हूँ अभी और फ़िज़िकल मटेरियल की जो कॉपी है वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा मतलब जो फ़ीस है वो इतना है इसके अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड है जो भी फिज़िकल कॉपी है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री आपको भेजेंगे जो दस पंद्रह दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना इंटीरियर एरिया में रहते हो ताकि आपका स्क्रीन टाइम कम हो और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास फिज़िकल मटीरियल हो डेली लाइव जूम क्लासेस होगा ऑफकोर्स जो भी मटेरियल है वो सारा ग्रेडेड है उसका सारा टेक्सट सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन है उसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो आप डेली फेस टू फेस फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं लाइव जूम क्लासेस में उसके बाद भी आप टेलीग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हैं दैट फैसिलिटी इज़ ऑल्सो देर फॉर ट्वेंटी फोर स्टेपें उसके बाद डाउट सॉल्विंग मैंने टेलीग्राम पे बता दिया बाकी के जो फीचर्स आएंगे वो मैं अभी आगे इसी वीडियो में कवर करूँगा तो जो इस बैच का रजिस्ट्रेशन है चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो कंपटीशन डिजिटल ऐप पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो इस बैच के लिए और अगर ऑफलाइन बैच के लिए आप जयपुर में ही आके रजिस्टर करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं या फिर अपनी सीट बुक कराने के लिए अगर आप बैंक में मान लिया कोई बच्चा ऑनलाइन नहीं यूज़ कर पा रहा किसी भी रीज़न से तो बैंक ट्रांसफ़र भी आप करा सकते हो जो बैंक कंपनी का नाम है वो हरी कृपा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है आ, ये वाले सारे चीज़ आपको गाइड कर देंगे भले ही आप ऑनलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हो या ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेना चाहते हो सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगा तो किसी भी तरीके की इंक्वायरी के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो एट 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 जीरो 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 टू वन या फिर सेवन फोर वन ज़ीरो नाइन जीरो ज़ीरो नाइन जीरो वन फिर सेवन फोर वन जीरो नाइन जीरो जीरो तीनों में कॉमन है नाइन जीरो वन नाइन ज़ीरो सिक्स नाइन जीरो एट तीनों में आ, किसी भी नंबर पे आप बात कर सकते हो इन चारों में से जो ऑफलाइन सेंटर है हमारा जयपुर में वो दुर्गापुरा में है और कॉम्पिटिशन टावर अगर तुम सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा गूगल के ऊपर फिर भी जो उसका आ, एड्रेस का लिंक है वो हमने लिंक में वो जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका लिंक तो उसको भी फॉलो करके यू कैन रीच टू आर सेंटर अगर आप ऑफलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में तो ऑफ़कोर्स ऑनलाइन फ़ीस आप जमा करोगे जयपुर आके तो फ़ीस जमा करोगे नहीं तो किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारे सपोर्ट नंबर पर बात कर सकते हैं कोर्स hmm. के जो फीचर हैं ऑनलाइन में तो रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स आएंगे एंड जैसे भी ऑफलाइन uh, की जो क्लासेस हैं वो तो जैसे नॉर्मल रन होती है क्लास में बच्चा आता है पढ़ता है फिर डिस्कशन क्लासेस भी होता है डाउट क्लास भी होता है डाउट क्लास में होता एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट होता है जहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल होती है आप ऑफलाइन में जाके वहाँ इस सेंटर पर डाउट पूछ सकते हो ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो ऑफकोर्स जूम क्लास में लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं जो मटेरियल है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में सेम है एंड दैट इज़ ए ग्रेडेड मटेरियल कि एक्सरसाइज वन हमारी मेंस के लिए हो गई एक्सरसाइज टू हमारी एडवांस के लिए हो गई एक्सरसाइज थ्री प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो गए मेन्स और एडवांस दोनों के फिर तो उसके अलावा हम एक्स्ट्रा uh, एज भी देते हैं कोई बच्चा अगर पाँच के अंदर या सौ के अंदर फाइट करना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा मटीरियल है मटीरियल बहुत ज़्यादा है मतलब मोस्ट ऑफ यू वॉन्ट बी एबल टू कम्प्लीट दिस मटीरियल बिकॉज मटेरियल तो रैंक वन से लेके सभी बच्चों के लिए दिया जाता है तो रैंक वन बच्च वाला बच्चा काफ़ी ऐसा भी होता है जिसने पहले पढ़ रखा होता है तो वो बहुत जल्दी मटेरियल ख़त्म कर लेता है फिर बोलता है और मटेरियल लाओ तो इसलिए हम और मटेरियल पहले से ही दे के रखते हैं सभी बच्चों को तो इसमें अगर कोई बच्चा फिफ्टी मटेरियल भी कम्प्लीट कर लेता है तो फिर आ, उसको तो भी उसका दो तीन हज़ार के आसपास आराम से रैंक आ जाएगा तो जो भी हमारे यहाँ पढ़ रहा है उसको किसी भी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अफकोर्स फिजिक्स वाले या केमिस्ट्री वाले सर हो सकता है एन के लिए बोले बट वैसे किसी भी बुक की या किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी वी विल प्रोवाइड यू एग्जॉस्टिव मेटीरियल जैसा मैंने बोला कि नाइन्टी बच्चे वो कम्पलीटी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मटीर है डी पी पीज भी होती हैं मेन्स और एडवांस दोनों की रिविज़न कराने के लिए और इन सभी का जो मटेरियल है उसका टेक्स्ट और वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है जो ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे उनको कॉम्प्लीमेंट्री ऑनलाइन क्लासेस का भी ऑनलाइन वाला जो बैच है उसका भी एक्सेस मिलेगा अगर वो अपनी प्रिपेशन को कैसे भी कस्टमाइज़ करना चाहे मतलब आ, कोई लेक्चर छूट जाए तो वो ऑनलाइन में देख सकते हैं या फिर वो ऐसा कुछ बच्चे ऐसे जैसे जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होगी वो चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर लेक्चर पहले से ही कर लूँ जब ऑफलाइन बैच में आएगा उससे पहले ही कर लूँ ताकि मैं लास्ट में ज़्यादा एफर्ट मार सके रिविजन में तो दैट फैसिलिटी इज़ देयर यू कैन डू इट हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है वहाँ बैठ के आप कोई भी चैप्टर पहले से फिनिश कर सकते हो या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा एक पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत ज़्यादा भयभीत हो और वो चाहता है कि क्लास में जाने से पहले भी एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लूँता ताकि क्लास में उनको ज़्यादा समझ में आए तो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर उस तरह के फैसिलिटी है उस तरह के वीडियोज़ अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट साइंस स्लॉट वाले मतलब हमारे पास सी क्यूब है जिसमें आप एक चैप्टर को हल्का सा ब्रश अप कर सकते हो दो लेक्चर के अंदर और फ़ास्ट लेन भी है जो बच्चा थोड़ा सा फास्ट समझ में आता है जिसको वो अगर एक बार फास्ट लेन से करना चाहता है तो वो भी कर सकता है किसी भी बच्चे का ऐसा हो सकता है कि एक चैप्टर पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वो चाहता है कि जल्दी से एक बार कंप्लीट कर ले उसको तो उसके लिए फ़ास्ट लेन का एक लेक्चर भी ये अवेलेबल है डिजिटल लाइब्रेरी में ये ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए है और जितने भी ये आ, सी क्यूब हो गया या फिर आ, जितने भी कोर्सेज हो गए हमारे रिवीजन के कोर्सेज हो गए वो ऑनलाइन वाले बच्चों के भी लास्ट uh, में अवेलेबल होगा तो वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को कस्टमाइज़ करने के लिए ठीक है फिर रेगुलर टेस्ट होगा एवरी थ्री वीक में यू विल हैव ए टेस्ट एवरी थर्ड संडे जिसका प्रॉपर एनालिसिस दिया जाएगा एंड पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा उसका टोटल सपोर्ट एंड एक्सपर्ट गाइडेंस विल बी अवेलेबल ट्वेंटी फोर सेवन मतलब अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ से कैसे डील करूं या फिर जैसे एक बार आपने एडमिशन ले लिया तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है कब कौन सा फॉर्म आना है कैसे फॉर्म भरा जाता है सारा इन्फॉर्मेशन विल बी गिविन टू यू आपका काम केवल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा जो बच्चा जितना ज़्यादा फॉलो कर पाएगा उसकी उतनी अच्छी रैंक आएगी मतलब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कोई भी किसी भी तरह की बुक नहीं चाहिए कोई भी किसी भी तरह की टेस्ट नहीं चाहिए सारा चीज़ वी आर प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग फिर कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो 75 फाइव परसेंट क्राइटेरिया ना कंप्लीट कर पा रहे हो वो अगले साल फिर बोर्ड देना चाहें तो ऐसे बच्चों को भी हम सपोर्ट देते हैं बोर्ड की क्लासेस का बट ये जो बोर्ड की क्लासेस होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन मोड में ही अवेलेबल रहेगा मतलब बोर्ड की ऑफलाइन की क्लासेज नहीं लगाएंगे ऑफकोर्स टाइम कहाँ है कब लगाएंगे उसकी तो जिस बच्चे को चाहिए होगा क्योंकि पी का देखो बेस तो सेम ही होता है जेई का और ये तो अगर कोई बच्चा बोले बोर्ड की तैयारी करना चाहता है अब वो मान लिया उसने जेई के लिए पूरा पी पढ़ लिया है तो वो दोबारा बोर्ड के लिए ए टू जी दोबारा पूरा पढ़े तो ये तो अकलमंदी वाली बात नहीं हुई बोर्ड में ऐसा होता है कि थोड़ा सा लिखने का पड़ता है क्योंकि वहाँ सब्जेक्टिव पेपर आता है तो वो थोड़ा सा तरीका सिखाना पड़ता है बच्चों को तो इसलिए हमने कस्टमाइज्ड लेक्चर बना सक बना रखे हैं बोर्ड के कि कोई बच्चा अगर मान लिया इम्प्रूवमेंट देना चाहे तो कम टाइम में वो कैसे अच्छा कर सकता है और इसमें हम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इसकी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं या फिर बिट सेट हो गया डब्ल्यू बी जे ई हो गया यू जी डबल ई हो गया इसके जो टेस्ट है वो सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं इसी कोर्स के अंदर सेम फीस के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं या लास्ट में जैसे रिविज़न इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी चैम्प के थ्रू हम मेन्स uh, का रिविज़न कराते हैं और कैट्स के थ्रू हम एडवांस का रिविज़न कराते हैं डी पी पीज के थ्रू तो ये सारी चीज़ें सारा चीज़ इसी uh, कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है Uh, मैंने कुछ कुछ लोगों को ऐसे देखा है कि वो कोर्स निकालेंगे पाँच हज़ार का फिर उसमें बोलेंगे अच्छा मटेरियल चाहिए तो दो हज़ार और दे दो फिर अगर डाउट सपोर्ट चाहिए तो दो हज़ार और दे दो फिर अगर ये रिविज़न कोर्स चाहिए तो दो ऐसे करते करते वो पंद्रह बीस हज़ार तक पहुँच जाएगा बहुत सब स्टैंडर्ड मटीरियल बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जो हमारे यहाँ फ़ीस है ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आ, उसी के अंदर ईच एंड एवरी फैसिलिटी इज़ अवेलेबल मतलब जो भी इको चाहिए वो पूरा उसी के अंदर है आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर जो बच्चा ऑफलाइन सेंटर पे हमारे यहाँ पर पढ़ेगा उसको डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है जैसा हमने बोला कि डिजिटल लाइब्रेरी में वो कोई क्लास छूट जाता है वो देख सकता है या फिर ब्रश अप करना हो रिवीज़न करना हो वो लेक्चर देख सकता है लेक्चर भी डिफरेंट टाइप के अवेलेबल है नॉर्मल लेन फास्ट लेन सी क्यूब या जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे सी बी टी बोर्ड में होंगे एक्चुअल फील देने के लिए तो वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है बच्चा हमारे सेंटर पर आके बैठ के पढ़ सकता है और जब उसे कंप्यूटर यूज़ करना हो कंप्यूटर यूज़ कर सकता है अगर वैसे ही पढ़ना हो तो वैसे ही पढ़ सकते हैं बट कोर्स ये केवल ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन वाले बच्चे तो अपने घर में पढ़ रहे होंगे तो वो डिजिटल लाइब्रेरी कैसे आएंगे? अच्छा वाई कंपटीशन कंपटीशन ही क्यों तो आ, उसके बारे में मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ पहला चीज़ तो हम वी आर नोन फॉर सीरियस स्टडीज़ मतलब हमारे यहाँ नॉन सीरियस बच्चा नहीं पढ़ता इसीलिए वी आर एबल टू तो प्रोड्यूस सच एन अमेजिंग रिजल्ट क्योंकि हम बच्चे को बहुत ज़्यादा गिल करते हैं अगर कोई भी बच्चा माना नॉन सीरियस है वो चाहता है कि क्लास में हाँ हा ही चले चुटकले चलते रहें ओ पी मोमेंट चलते रहें तो दिस इज़ नॉट अ बैच विच वुड बी सूटेड फॉर दैट काइंड ऑफ ए पर्सन ये ठीक है जो मजे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए यह नहीं है यहाँ पे तो हम ये समझते हैं कि बच्चे का जो सारा लाइफ है अगला तीस चालीस साल का वो इसी साल पे डिपेंड करता है कि इस साल वो क्या कर रहा है इस साल वो कितनी मेहनत कर रहा है तो हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम पूरी बच्चे के साथ मेहनत करते हैं पूरा उसको जिसे बोलते हैं ना गिल्डिंग करते हैं पूरे साल ताकि साल भी मतलब सात आठ महीने बच्चे हैं सात आठ महीने की गिल्डिंग है ताकि उसका जो चालीस साल का आगे का करियर है वो जितना भी ब्राइट हो सकता है वो ब्राइट हो जाए इसीलिए बहुत सीरियस स्टडीज़ ही चलते हैं चलती है और बहुत सीरियस स्टडीज़ ही बच्चे हमारे यहाँ पे करते हैं तो सीरियस स्टूडेंट्स के लिए ही है फिर टोटल सपोर्ट एंड स्टूडेंट केयर किसी भी तरह का सपोर्ट जैसा मैंने बोला कि आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो आपकी सारी टेंशन ख़त्म प्रिपरेशन रिलेटेड तो किसी तरह की कोई बुक नहीं खरीदी कहीं टेलीग्राम पे टाइम वेस्ट नहीं करना ईच एंड एवरी थिंग वी विल बी प्रोवाइडेड बाई अस अच्छा टेलीग्राम पे बहुत सारी ऐसा चीज़ होती है जो फ्री की चीज़ें हैं बट वो फ्री के जहर हैं मतलब कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं अपनी प्रिपरेशन को इसीलिए तबाह कर लेते हैं कि वो यहाँ से पी लिया ये टेस्ट सीरीज़ लिया उनकी पूरी प्रिपरेशन इसीलिए तबाह हो जाती है तो यहाँ पे एक पूरा इकोसिस्टम आपको दिया गया कि आप इस इकोसिस्टम का एक बार पार्ट हो गए तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए बाहर कहीं पे भी आपको खाक छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप पूरा इन्वेस्टमेंट पूरा फोकस अपने टाइम का वा, केवल अपनी प्रिपरेशन में लगाओ और कहीं फालतू की बातों में ना पड़े तो अपनी बेस्ट रैंक आएगी तीसरा अमेजिंग रिजल्ट बहुत सारे लोग क्या करते हैं बहुत सारे सो कॉल्ड यूनिकॉर्न्स एक नंबर बता के भाग जाएंगे कि हमारा इतना सल्यूशन सलेक्शन हो गया पता नहीं कहाँ से सिलेक्शन हो गया कोई नाम नहीं कोई कुछ नहीं और बहुत सारे फेक रिजल्ट हैं बट वी आर द वन जिन्होंने ऑथेंटिक रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया एक एक बच्चे का हम नाम बताते हैं कि ये बच्चे का नाम है ये हमारे इस बैच का बच्चा है सारी डिटेल हम बच्चे को बताते हैं और बिकॉज हम पूरे साल सीरियसली ग्रिलिंग करते हैं इसलिए बच्चों का रिजल्ट भी आते हैं बाकी लोग क्या है कि पूरे साल आ, एक ही बैच में बहुत नॉन सीरियस बच्चा भी बैठा होता है तो उसको भी खुश करना पड़ता है कि मान मानिए कोई पाँच बच्चों का बैच है बहुत नॉन सीरियस बच्चा है उसको खुश करने के लिए तो आपको वहाँ तमाशा दिखाना ही पड़ेगा चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो अब ऐसे तमाशा दिखाने में जो सीरियस बच्चा है उसके तो फ्यूचर तबाह हो गया वहाँ पे ये ठीक है तो फिर लास्ट में रिज़ल्ट कैसे आएगा उन लोगों का यहाँ पे पूरे साल सीरियस स्टडी चलती है मतलब बच्चे को 10 से 12 घंटे डेली देना ही पड़ेगा तभी वो इस प्रेशर को झेल पाएगा और फिर उसका फिर सुखद फल लास्ट में मिलता भी है तो इसीलिए हमारे रिज़ल्ट इसीलिए अमेजिंग आते हैं बाकी जितने भी सो कॉल्ड हमारे यूनिकॉर्स हैं जिसका नाम आपने टी वी पर टी वी पर खूब सुना होगा उससे बेटर रिज़ल्ट है हमारा आ, और जो हमारा मार्केटिंग है वो हमारा रिज़ल्ट है मतलब हमारी मार्केटिंग ऐसा नहीं कि कोई फिल्म स्टार कर रहा है कोई फुटबॉल वाला बंदा कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा मार्केटिंग केवल हमारे रिजल्ट ही करता है एंड जो भी कंटेंट है वो सारा ओपन है हमारा ठीक है ऑथेंटिक गाइडेंस दिया जाता है मतलब ऐसे कोई यूट्यूबर बहुत सारे बाबा बन के बैठ जाते हैं एक एक साल पहले जिन्होंने सिलेक्शन हुआ होता है और वो ज्ञान देने लगते हैं हर तरह के बच्चे को हर बच्चे की डिफरेंट नीड होती है यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको डिकेट्स का एक्सपीरियंस है उन्होंने हर तरह का बच्चा देखा होता है हर बच्चे का एक अलग तरह का एटीट्यूड होता है टूवर्ड्स प्रिपरेशन अब जो बच्चा यूट्यूब वाले बाबा हैं उन्होंने हो सकता है कि उनका खुद का सिलेक्शन हो गया हो सकता है अच्छी रैंक से हो गया हो बट उनके पास एक ही केस तो है अपना तो वो उसी को जर्नलाइज करके हर बच्चे हर बंदे को एक ही चूरन की पुड़िया देते रहते हैं कि तू ऐसे कर लेना ऐसे कर लेना ऐसा थोड़ा ना होता है पहले हमें समझना पड़ता है कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है कहाँ पे उसको लैक कर रहा है इसको मोटिवेशन की कमी है या मेहनत की कमियाँ तो हर चीज़ का सलूशन अलग अलग होता है तो ऑफ कोर्स ये चीज़ एक्सपीरियंस से आती है वो एक बच्चा सेलेक्ट हो गया उसको अपना केस पता है मैंने देखा है कि रैंक वन से लेके एक लाख तक के आ, हर रैंक के बच्चे का मेरे पास सौ यू एग्ज़ाम्पल प्रजेंट है तो वेन यूज से एनी आई विल अंडरस्टैंड कि आप किस कैटेगरी में हो आपने आपकी जैसा बच्चा और कौन था पहले उसने क्या क्या गलतियाँ की थी जिसकी वजह से उसकी रैंक खराब हो गई या फिर आपके पोटेंशियल वाला और कौन बच्चा था जिसने सही सही स्टेप लिए और उसकी रैंक अमेजिंग आई आगे चल के तो आई विल भी मतलब जो भी हमारी टीम है सारे टीचर ऐसे हैं तो दे विल बी एबल टू गाइड यू बेटर कि बेटा तुम ये गलती मत करना तेरी बातों से मेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ ये दिक्कत है तो तू तेरे को ये नहीं करना है बिल्कुल तो उस तरह का जो गाइडेंस है वो हो सकता है कि पाँच मिनट की बात हो बट वो आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल ट्रैक पे ऐसा ले आए कि आपकी रैंक जबरदस्त आए तो इसलिए जो यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है वो ऑथेंटिक गाइडेंस दिया जाता है वी आर नॉट जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब पर बैठ के व्यूज़ के भूखे हैं जो उल्टा सीधा चूरन बेचते रहते हैं ऐसा नहीं है यहाँ पर वी हैव ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिकेट्स तो यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगा वो भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे मतलब मैं तो बोलूँगा अगर कोई बच्चा मेरे से पूछेगा तीन घंटे में कैसे सेलेक्ट हो जाएगा मतलब सेलेक्ट ही नहीं हो सकता भाई ठीक है जो बच्चा तीन घंटे में सेलेक्ट हो सकता होगा वो कभी आके पूछेगा ही नहीं तो आ, हमें तो बस केवल एक ही चीज़ आती है कि आप मेहनत करके कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं हम वही चीज़ पढ़ा सकते हैं कोई शॉर्टकट नहीं बता सकते कोई भी उल्टी सीधी बातें नहीं बता सकते कि जैसे आपका जिसे बोलते हैं फ्यूचर चौपट हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं बताएंगे हम केवल वो चीज़ बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट है फिर एक्सपीरियंस फैकल्टी है डिकेट का एक्सपीरियंस uh, है कोटा में जैसा मैंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि uh, <coughs> कि कोई नोवाइस आके पढ़ा रहा है तो टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है यू गेट वॉट यू सी फैकल्टी ट्रेनिंग इसका मतलब यह है कि जो हमारी फैकल्टी हैं सब के लेक्चर्स यूट्यूब पर मोहित्यागी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो आप एक बार पढ़ो चारों टीचरों के देखो लेक्चर अगर आपको लगता है कि ट्यूनिंग अच्छा है तभी तो आप एडमिशन लो भले ही वो ऑनलाइन मोड में हो भले ही ऑफलाइन मोड में हो बहुत सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तो मतलब लैक्स की फ़ी पे करके डेढ़ दो लाख की फ़ीस कर पे करके फिर रहने का दो तीन लाख का खर्चा देने के बाद अभी आपको पता नहीं है कौन पढ़ाएगा वो एक ब्लैक बॉक्स है अब हो सकता है कि जिस बैच में आप जाओ बैच तो पचासों बनते हैं उसमें हो सकता है कि आपके फिजिक्स के टीचर के साथ आपको लगता है कि ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो आपकी तो टीनिंग अच्छी नहीं बट ये तो आपके लिए लास्ट चांस है ये तो करियर का लास्ट चांस है वो तो उस पर हम जुआ थोड़ा खेल सकते हैं पता नहीं ब्लैक बॉक्स में कौन से टीचर आ जाएंगे यू आर नॉट श्योर के वेदर यू विल बी एबल टू फॉलो देम और नॉट यहाँ पे एवरी इज़ ओपन आप पहले यूट्यूब पर कन्विंस हो जाओ अच्छी तरह जब आप हो के नहीं मेरे को सब कुछ मस्त समझ में आ रहा है मज़ा आ रहा है तभी आप एडमिशन लो और अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो देन ओनली यू शुड टेक एडमिशन एक ब्लैक बॉक्स नहीं के पता नहीं कौन सा बैच मिलेगा कौन से टीचर मिलेंगे अगर तुक्का लग गया तो तीनों टीचर ठीक मिल जाएंगे और बहुत किस्मत खराब हुई तो तीनों टीचर ही बेकार मिल जाएंगे तो उस तरह की अनसर्टेनिटी यहाँ पे नहीं है फिर कोर्स कंप्लीशन ऑन टाइम एंड अदर डिसिप्लिन जो हमारी फैकल्टी टीम है वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर डिकेड्स तो ठीक है हमारा जो कंपटीशन है अभी वो फोर्थ ईयर में एंटर कर रहा है बट इन चार सालों में हमने पूरे प्रोसेसिस को परफेक्ट कर लिया क्योंकि हमें पहले से एक्सपीरियंस है सेंटर रन करने का बहुत सालों से आ, टीम में काम करने का तो ईच एंड एवरी इज़ हाईली डिसिप्लिन एंड प्री डिटर्माइंड कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं है बहुत सारे सो कॉल्ड यूनिकॉर्नस ऐसे हैं जो लास्ट में सिलेबस कंप्लीट नहीं कराते ये ठीक है कभी कुछ डिस्कशन नहीं हुआ कभी टेस्ट नहीं हुए कभी टेस्ट उल्टे सीधे दे दिए कभी मटेरियल बहुत टफ दे दिया क्योंकि बहुत तरह के इंस्टीट्यूट है एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें बहुत सारे स्टार टीचर तो ले आए बट वो एक सिस्टम ही नहीं बना पाए एवरी टीचर उसको अपनी डायरेक्शन में खींच रहा है तो बच्चे के तो बैंड बच गए ना अगर इस तरह की चीज़ों को फॉलो करोगे अगर आपका Uh, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा या फिर छोटे छोटे जो uh, शहर हैं उनमें कुछ कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खुले होते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत तो यह है कि पहली बार तो तीनों टीचर ही ढंग के नहीं मिलेंगे एक साथ वरना तो वो छोटे शहर में करके रहे हैं, वो तो बाहर ही आ जाते हैं किसी ना किसी टीचर को दूसरा फिर दिक्कत क्या होता है कि, कि किसी टीचर का हो सकता है कि चार चैप्टर अच्छा हो या दस चैप्टर अच्छा हो तो उसमें तो खूब टाइम लगाएगा बट डिसप्रोपोर्शनेटली दूसरे चैप्टर को जल्दी जल्दी दौड़ा देंगे तो हमारे पास तो इस तरह के फ़ोन आते रहते हैं कि मैं फ़लानी जगह पढ़ा था और मेरे को वैक्टर तीन दिन में ख़त्म करा दिया वैक्टर दस परसेंट वेटेज है मेन्स और एडवांस दोनों में पिछले पंद्रह साल का डेटा उठा के देखो और उसको हम तीन लेक्चर में ख़त्म करा दें मतलब आपने आधे चांस तो खत्म कर दिया तो पाँच का जो बच्चा था पाँच रैंक पे वो वैसे ही पाँच हज़ार में पहुँच गया केवल इस वजह से केवल इंस्टीट्यूट की वजह से तो ये जो डिसिप्लिन है वो ईयर्स के ऊपर परफेक्ट किए हुए हमें पता है कि इस सिचुएशन में कैसा करना है बच्चे को कैसे कितने लेक्चर देने हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है बहुत सारी जगह तो बस खाना पूर्ति चलती है तो यहाँ पे यू विल फाइंड टोटल कंप्लीशन इन डिसिप्लिन ऑफ द कोर्स ठीक है इंटायर सिस्टम अंडर वन रूफ का मतलब ये है कुछ बच्चे आजकल कर ये करते हैं कि ये चैप्टर मैं यहाँ से पढ़ लूँ ये सब्जेक्ट में सॉरी यहाँ से पढ़ लूँ दूसरा सब्जेक्ट मैं वहाँ से पढ़ लूँ तो जो जेई का प्रिपरेशन है वो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का समेशन नहीं है और भी बहुत कुछ है जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जब हम पेपर देते हैं तीन घंटे का तो उसमें एक एक घंटे के अलग अलग स्लॉट थोड़ना आते हैं हमें तो उस पूरे तीन घंटे में वो पेपर करना होता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केमिस्ट्री में दस पंद्रह मिनट बचा के उसको मैथ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो दोनों जगह अच्छा कर पाए तब उनकी रैंक अच्छी आती है अब जो बच्चा अलग अलग जगह पढ़ रहा होगा उसके पास कोई कोहरेंट सिस्टम ही नहीं होगा तो टेस्ट देने में बहुत दिक्कत आएगी फिर अगर वो टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन करेगा तो उनका टेस्ट अलग होगा ये कहीं अलग ही चल रहे होगा तो मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो गया हमारी प्रिपरेशन पे यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम आपको एक रूफ के अंदर मिल रहा है चारों टीचर अच्छे मिल रहे हैं और प्रूवन सिस्टम है प्रूवन टेस्ट है टेस्ट जैसे एक्चुअल आते हैं वैसे ही मिमिक करेंगे कभी इजी कभी मॉडरेट कभी टफ ऐसा नहीं कि सारे टेस्ट हमने बहुत टफ बना दिए बच्चों को अपना ये दिखाने के लिए देखो हमें कितना आता है सारे जो भी काम किए जा रहे हैं वो केवल बच्चों की के भलाई के लिए किए जा रहे हैं कि अगर किसी बच्चे का पोटेंशियल पाँच रैंक लाने का है तो हमारे सिस्टम के अंदर हम कोशिश करते हैं कि उसको दो रैंक तक कुछ करें बल्कि अगर किसी कॉम्प्रोमाइज सिस्टम में पढ़ोगे तो हो सकता है कि पाँच वाला जो रैंक वाला बच्चा है वो पाँच रैंक पर चला जाए दिस इज़ द डिफरेंस ठीक है अब बहुत सारे पेरेंट्स को जिनको समझ में नहीं आता है उन्हें पाँच हज़ार वाले को भी लगता है यार सेलेक्ट तो ये भी हो गया selection तो हो ही गया बट उसको ये नहीं पता ना कि उसकी लाइफ बर्बाद कर दी जिस बच्चे को computer साइंस मिलने वाला था उसको हो सकता है सिविल में कहीं जाना पड़े छोटी आई में वो भी छोटी आई तो लाइफ ख़त्म हो गई उसके आगे प्रोफेशनल कैरियर खत्म हो गया ठीक है तो ये बच्चा जो प्रिपरेशन करता है वो उसको समझ में आता है उसको ये सारी चीज़ें दिखाई देती फिर वन कैनॉट अफोर्ड टू टेक एनी चांस ऑन दिस लास्ट चांस जो भी बच्चा ड्रॉपर में पढ़ रहा है उसके पास तो आई में जाने का ये लास्ट चांस है तो इसके ऊपर हम कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते हैं यू हैव टू गिव बेस्ट ताकि आगे का जो 40 साल का करियर है वो आपका बेस्ट वे में सिक्योर्ड हो पाए अच्छा ऑनलाइन में आ, कुछ बच्चों को डिसिप्लिन रहने में दिक्कत होती है या फिर उनको एक टाइम टेबल बनाने में दिक्कत आती है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो जो इससे पहले हमारा ऑनलाइन बैच था उसके रिस्पेक्ट में बनाया था बट बैच के पर्टिकुलर इसमें चेंज हो गए बट बेसिक फिलोसफी तो वही है कि हम एक दिन में कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखें ताकि हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो ऑनलाइन माध्यम में जो जो भी उसकी खूबियाँ हैं वो उनको हम कैसे यूज़ कर पाएँ क्योंकि टाइम ज़्यादा अवेलेबल रहता है तो हम ज़्यादा सॉलिड तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा टाइम अवेलेबल रहता है तो बस जो डिसिप्लिन का इशू रहता है उसको हम कैसे सॉल्व कर पाएँ तो उसका एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है तो यू कैन चेक आउट दैट इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर ऑनलाइन सिमिलरली ऑफलाइन बैच में जो बच्चा आना चाहता है उसके लिए भी हमने पहले एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था जिसमें हमने हॉस्टल टूर दिया था कि जयपुर के अंदर जो जहाँ पे हमारे बच्चे यूजली रहते हैं तो वहाँ पे हॉस्टल किस तरह के हैं ताकि आपको आने से पहले एक बार पता हो कि किस तरह का हॉस्टल है डिजिटल लाइब्रेरी का भी हमने एक बार टूर बनाया था और क्लासरूम किस तरह के दिखते हैं टीम कॉम्पिटिशन के उसका भी एक टूर बनाया था तो, तो उससे रिलेटेड भी Uh, एक वीडियो हमने डाल रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में यू कैन ऑल्सो चेकआउट दिस इन्वेस्ट करो आराम से आधा एक घंटा तो आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी क्योंकि ये साल ऐसा है जिसके ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते ये आपका लास्ट ईयर है ये मेरे को इम्पॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए तो दिस इज इज ऑल द वेरी बेस्ट आई होप यू विल बी यूजिंग योर दिस ईयर विद फुल एनर्जी एंड फुल डेडिकेशन आप चाहे कहीं पे भी पढ़ो बट मेक श्योर कि आपका पूरे साल बैकलॉग ना हो और दूसरा टाइम टू तो टाइम टेस्ट जरूर दे दीज आर द टू ग्रू मंथ आई विल लाइक आई वुड लाइक यू टू गिव एंड गिव योर बेस्ट बेस्ट ही होगा बेस्ट रैंक आएगा बस टेंशन फ्री होके रहना है ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम काउंटीज़